अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोडक्ट हो कॉस्मेटिक्स की या कोई और शुबा हो, हमें खुशी ये होती है बीएफपी टीवी ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान का मकसद, जो असल मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान के ब्राइट फेस को, पाकिस्तान के अच्छे कामों को आप तक पहुंचाना, दुनिया तक पहुंचाना और लोगों को ये बताना कि पाकिस्तान कितना प्यारा मुल्क है और यहाँ पर कितने अच्छे काम भी होते हैं। इसी अच्छे काम के सिलसिले में हमारा बहुत अच्छा भाई जी विकास और मोहब्बतों का एक लाजवाल रिश्ता है, वो चलता रहता है। और विकास साहब की एक प्रोडक्ट है, कंपनी है, कॉस्मेटिक्स कंपनी है, और मुझे ये फ़ख्र, ये प्राउड ऑफ पाकिस्तान है कि ये मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और उसकी खूबियाँ क्वालिटियाँ क्या हैं वो ज़रा विकास भाई से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं विकास भाई? पहले तो हम आपको सलूट करते हैं कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट को लेके चल, तो कुछ थोड़ा आज अपनी प्रोडक्ट के नाम और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी कुछ फवायद के बारे में। इस पर हमारे पास जौन सी हैं, मेकअप बेसिस होती हैं, आई शेडो होते हैं, हाइलाइटर होते हैं, इसके अलावा हमारे पास वाइट लाइनर और मेकअप से रिलेटेड हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट होते हैं। और क्वालिटी का मैं खुद आपको नहीं बताऊँगा, आपने मेरे साथ काफ़ी जगह पर ट्रैवल किया हुआ है और क्वालिटी का आपको भी आइडिया है कि हमारी क्वालिटी किस तरह की है। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपके व्यूअर्स भी हमारी प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई करेंगे और वो भी आपको रिव्यू लाजमी देंगे कि हमारी प्रोडक्ट कैसी है। अच्छा विकास भाई, कंपटीशन का दौर है ना, तो बड़े लोग फ़ख्र से कहते हैं जी ये जर्मनी की प्रोडक्ट है, ये जापान की है, ये अमरीका की है, ये मलेशिया की है, तो आप कहीं गिल्टी फील भी करते हैं कि यार मेरी प्रोडक्ट पाकिस्तान की है, या फ़ख्र आता है? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम एक पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इतने अच्छे तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, और जो लोग हमसे परचेज़ करते हैं वो भी इस चीज़ को बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारी क्वालिटी और कंपेरिज़न जो है वो आउट ऑफ कंट्री की क्वालिटी से होता है। अच्छा विकास भाई, इतने अरसे में, जितने अरसे से ये बड़ा, काफ़ी अरसा हो गया आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, आपने कोई अंदाज़ा होगा कितनी ब्यूटिशियन को कन्वर्ट किया है फॉरेन ब्रांड से हट के मेड इन पाकिस्तान पे? इस तरह तो बहुत सारी हैं ऑलमोस्ट, मैं आपको कोई रफली आइडिया नहीं दे सकता, मगर आप भी मेरे साथ डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल किया आपने, तो हमारे रिव्यूज़ और कस्टमर की क्वालिटी आपने देखी है कि वो कितना लाइक करते हैं इस चीज़ को, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है हज़ारों में हो, लाखों में हो, तो ये बेहतर वही आप लोग ही बता सकते हैं आपके चैनल के तवज्जो से। लोग चेंज हो रहे हैं, आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं लोग, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम और आउट ऑफ कंट्री का मौसम में बहुत फ़र्क है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो सा फ़र्क होता है। तो अक्सर लोगों को ये भी इशू होता है कि जनाब के हमारी, हमने फलां कंट्री से प्रोडक्ट मंगवाई मगर वो अच्छी नहीं, क्योंकि हमारी स्किन के अकॉर्डिंग वो मर्च नहीं करती और वो उसके अकॉर्डिंग वो स्टेबल नहीं होती। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लॉन्च किया और पाकिस्तान में मैनुफैक्चरिंग है, इसकी वजह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक है इसका। बहुत शुक्रिया विकास भाई। और NHBO की आज की तकरीब के हवाले से, NHBO की माशाल्लाह से आज बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है इनका, और इसी हवाले से आज हम वार्ड का स्टॉल भी साथ हमने यहाँ पे इनको सपोर्टिंग के तौर पे खड़े हुए हैं, और माशाल्लाह से एज़ यूजुअल NHBO का हर दफ़ा का इवेंट जिस तरह सक्सेसफुल होता है, इस दफ़ा भी उसी तरह सक्सेसफुल है। बहुत शुक्रिया जी। जनाब विकास भी हमारे साथ थे और आप देख रहे हैं BFP TV, मैं हूँ सईद अली बावा, देखते रहें अभी तकरीब में बहुत कुछ आगे मज़ीद पड़ा हुआ है।